स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में, जहां मैं आपके लिए लेके आता हूं रोज न्यू ट्रिक एंड ट्यूटोरियल्स। तो लेके चलता हूं मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप की ओर। तो दोस्तों आज बात करते हैं WannaCry रैंसमवेयर की। आप लोगों को तो पता ही है WannaCry रैंसमवेयर क्या है, जो मई में एक तरह का तूफान आया था वायरस का, जिसने 72 घंटों के अंदर में 150 कंट्रीज में 3 लाख कंप्यूटर को इन्फेक्टेड किया गया था, जिसका टारगेट माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, जरा मैं बता दूं आप लोगों को। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के तहत WannaCry स्टिल अलाइव। जी हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग क्या 90% लोग 100% लोग सोच रहे थे कि WannaCry खत्म हो चुका है पूरी तरह से, बट ये लोगों की मतलब थिंकिंग थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। WannaCry अभी भी स्टिल अलाइव है, इसका माइक्रोसॉफ्ट ने स्टेटमेंट बोला है। जापान में और ऑस्ट्रेलिया में अभी भी कुछ कंप्यूटर इन्फेक्टेड हुए हैं इससे कुछ दिन पहले ही। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि अपने कंप्यूटर को अप टू डेट रखो WannaCry से बचने के लिए, और क्या कहते हैं अपडेट रखो, और माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी लेटेस्ट पैच है उसको अपडेट करना मत भूलिए, और अनइंस्टॉल कर दीजिए सपोर्टेड वर्जन को, मतलब विंडोज की। जैसे विंडो XP आप यूज कर रहे हो तो उसको हटा दीजिए, और विंडोज 7 यूज कर रहे हो या 10 यूज कर रहे हो उसे अप टू डेट रखो, और एंटीवायरस को भी अप टू डेट रखिए, वरना WannaCry आपके डाटा को दोबारा इनक्रिप्ट कर सकता है। आपको तो बताइए कितना खतरनाक एंटीवायरस वो वायरस है ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।